हाउ मैनी परसेंट इज 5 आवर्स अ डे, यानी कि 5 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, 5 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक। तो 5 घंटे, जैसे स्कूल में आपको 10 में 5 नंबर मिले मान लिए, तो आप ऐसे लिखते हैं ना, टोटल 10 नंबर नीचे रहेंगे, ऊपर 5 नंबर मिले तो नीचे, तो इसी तरह 24 टोटल नंबर है वो नीचे लिख लिया आपने, ठीक है। और कितने आर 5 घंटे, तो 5 ऊपर लिख लिया। और जब भी परसेंट में निकालना होता है तो ऊपर 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब निकल लिया, फिर आपने क्या किया, 2 से 24 काटा, 2 से 100 को काटा, सेम नंबर से दोनों को 2 2 से काटा, ठीक है। 2 के टेबल में 24 कितनी बार में आएगा, 12। जब 2 से काटते हैं उस नंबर का आधा लिखते हैं, 24 का आधा 12, 100 का आधा 50, फिर 2 से 12 भी जा रहा है, 50 भी जा रहा है, तो 50 का आधा 25, 12 का आधा 6। अब 25 6 और 5 6 कोई नहीं कट रहा एक दूसरे से ना, और ये सामने सामने कभी काटना दीजिएगा, 5 5 तो 25 ना करिएगा, ये 5 × 25 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, समझ गए। नीचे भी कुछ बता तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर नीचे कटता है, ये इससे कटेगा या ये इससे कटेगा, लेकिन कट नहीं रहा तो छोड़ देंगे। अब क्या हमारे पास बचा, 5 × 25 हमने लिख लिया, अपॉन 6 बचा लिख लिया, परसेंटेज लगाना ना भूलिएगा, ये लास्ट में लगाइएगा। अब आपने क्या किया, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड करना है ना, अपॉन माने होता है डिवाइड, 5 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, 6 से डिवाइड करना। इसके बाद की कहानी हर बच्चा गलत कर रहा है, देखिए इन्होंने ये डिवाइड किया, एक बच्चे ने, ये गलत है, ऐसे डिवाइड ही नहीं होगा, ये आंसर ही नहीं आएगा, ठीक। तो इसका सही डिवाइड देखिए कैसे होगा, 6 से 25 को कैसे डिवाइड करेंगे, 6 बाहर लिखा, 125 अंदर लिखा। याद रखिएगा, जो नीचे होता है वो बाहर रहता है, जो ऊपर होता है वो अंदर रहता है, नीचे वाला डिवाइडर, ऊपर वाला डिविडेंड, ठीक है, याद रहेगा हमेशा, चाहे नीचे वाला छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला बाहर ही रहेगा। अब आप जब डिवाइड करते हैं तो एक नंबर जैसे छुपा लिया आगे का, आपको फोकस करना है शुरू के, जैसे एक नंबर ले रहे थे तो छोटा पड़ रहा था, 1 6 से छोटा है, तो आपने 2 नंबर लिए एक साथ, ठीक है, क्योंकि 6 8 डिजिट था, एक नंबर था तो इसलिए एक लेने की कोशिश की थी, लेकिन छोटा पड़ रहा था, 2 एक साथ लिए। तो 6 के टेबल में 12 आता है कितनी बार में, 2 बार में, तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, 6 2 12, अब 12 में से 12 गया, 0 0 बचा, ठीक। अब हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम एक बार में एक ही नंबर उतार सकते हैं, तो हमने एक बार, जब यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो हमने अगला नंबर उतारा, लेकिन एक ही मौका है कि एक ही नंबर उतार सकते हैं। जैसे ही हमने ये नंबर उतारा तो हमने देखा 6 के टेबल में 5 तो आता नहीं, ये तो 6 से छोटा है, यानी कि जो नंबर हमने यहाँ से उतारा, यहाँ पे 0 0 था, ये भी शर्त है, तो ये इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बगल वाला नंबर उतारेंगे, इसके बगल में तो कोई नंबर नहीं है। अच्छा मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पर कोई नंबर होता तो आप वो नंबर एक साथ उतार सकते थे, दोनों नंबर एक साथ उतार सकते थे, पहले आपको 0 बढ़ाना पड़ता तब यहाँ से नंबर उतारते हैं, तो 0 चाहे नंबर हो यहाँ पे चाहे ना हो, 0 आपको फिर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 0 बढ़ाने से यहाँ 0 नहीं लग जाएगा, नंबर नहीं है तो क्या 0 लगा देंगे, नहीं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे करने के लिए आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब यहाँ 0 लगेगा, समझे बच्चों। ये डिवाइड की एक बात किसी को नहीं पता होती है, बहुत कम बच्चों को पता होती है। तो 6 के टेबल में अब 50 आ गया, 6 के टेबल में 48 आता है, 6 8 = 48 बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ गया, पॉइंट एक बार लगता है, 0 हजारों बार बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी इसकी वजह से लगा, 2 बार पॉइंट नहीं लगाएंगे, कभी भी 2 बार पॉइंट नहीं लगाएंगे, एक बार पॉइंट लगा, 0 हर बार बढ़ता जाएगा, 6 8 = 48 बचा 2 उतारा फिर से 0, 6 3 = 18, 6 4 = 24 ज़्यादा हो जाता, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ गया, फिर 6 3 = 18। अब नंबर चाहे रिपीट होता रहे, चाहे ना हो, चाहे 3 3 आता जाए, चाहे कुछ भी आए, हमें पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर तक ही करना होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आगे नहीं करते, यहीं भी छोड़ दिए सवाल। आपका आंसर क्या आ गया, 20.83%। आपने 2 ही नंबर तक लिखना चाहे 2 नंबर तक लिख सकते हैं, चाहे 3 नंबर तक लिखना चाहे तो 3 नंबर तक लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 की जगह 5 या 5 से बड़ा नंबर आता है या तीसरा नंबर, तो हम याले नंबर में 1 ऐड कर देते, यानी कि 25.84 आंसर हो जाता और याले 3 कुर्बान हो जाता, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर 2 नंबर पर यह मामला होता, 5 5 से बड़ा होता, 1 नंबर तक आंसर निकालना होता, तो इसमें 1 ऐड कर देते, ये कुर्बान हो जाता, लेकिन शर्त ये है कि 5 से ये नंबर बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, या तो 5 हो या तो 5 से कोई बड़ा हो, 6 7 8 कुछ भी हो, उससे छोटा होगा तो ऐसे ही कुर्बान हो जाएगा, कुछ देगा नहीं, ठीक है, वही लिख दिया जाएगा। तो ये सवाल आपके समझ में आया, आई होप सो।